कन्नौज रोडवेज बस स्टेशन पर लगेज ट्रांसफर को लेकर दो बसों के चालक कंडक्टर भिड़ गए हैं। एक कंडक्टर लोकल का था तो उसने आने समर्थक बुलाए। लाठी डंडों से लैस समर्थकों की भीड़ ने बस अड्डों पर मौजूद दूसरी बस के ड्राइवर, कंडक्टर सहित स्टेशन मास्टर व अन्य स्टाफ को जमकर पीटा है। कन्नौज के सरायमीरा बस अड्डे पर बस चालक और परिचालक में लगेज को लेकर कहासुनी हो गई थी। कानपुर से दिल्ली जाने वाली बस के परिचालक ने कन्नौज डिपो के दिल्ली जाने वाली बस पर अपना कुछ लगेज ट्रांसफर करना चाहा, जिसे लेकर कानपुर और कन्नौज के कंडक्टर के बीच कहासुनी हो गई। कन्नौज से दिल्ली जाने वाली परिचालक ने अपने सहयोगियों को बुला लिया और दूसरी बस के चालक देवेश को बुरी तरह से मारना पीटना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, रोडवेज बस अड्डे पर आए 20 से 25 दबंगों ने जमकर तांडव मचाया। लाठी डंडों और धारदार हथियारों से लैस दबंगों ने चालक, परिचालक और स्टेशन मास्टर पर भी हमला बोल दिया। रोडवेज बस स्टेशन परिसर में घंटों दबंगों का उपद्रव चलता रहा। बुरी तरह स्टेशन स्टाफ की पिटाई और तोड़फोड़ कर उपद्रवी भाग गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दो लोगों को मौके से हिरासत में लिया है। हमले में स्टेशन मास्टर सहित 4 लोग घायल हुए हैं। दबंगों की यह करतूत स्टेशन में लगी सीसीटीवी में कैद हो गई है। पुलिस ने मौके से दो लोगों को हिरासत में लिया है। स्टेशन मास्टर ने अज्ञात भीड़ पर हमला कर तोड़फोड़ और मारपीट करने का मुकदमा दर्ज कराया है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस हमलावर को गिरफ्तार करने की तैयारी कर रही है। इसमें बैठ के अपने ऑफिस का कार्य कर रहे थे ऑफिस के अंदर, तो चालक परिचालक से किसी अराजक तत्वों द्वारा बातचीत हुई, उनको मारते हुए हमारे ऑफिस के अंदर घुसते हुए चले आए और चालक को मतलब अंधाधुंध मार रहे थे। मेरे भी कुछ चोटें लगी, बेल्ट डंडे और कुर्सी उठा उठा सीधे सीधे ऑफिस के समझ मार रहे थे। रजिस्टर सब फाड़ दिए, वो रजिस्टर अभी सब नीचे पड़े हुए हैं, कांच सीधे टूटे हुए पड़े हुए हैं। और इसी तरीके से ये सब होगा तो कैसे होगा।